तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मुझे ये बताइए कि व्हाट डू यू मीन बाय अ बुल मार्केट एंड व्हाट डू यू मीन बाय अ बेयर मार्केट। तो जनरली अ बुल मार्केट इज कंसिडर्ड व्हेन द मार्केट इज अबव इट्स ऑल टाइम हाई एंड मेकिंग हायर हाइज। ये डेफिनेशन है बुल मार्केट का, यानी बुल मार्केट में निफ्टी या सेंसेक्स कीप्स ऑन गोइंग हायर एंड हायर, दैट इज व्हाट वी कॉल अ बुल मार्केट। Bear market, on the other hand, would mean if the market is corrected by 20% and above from the all-time high levels. Yani, agar hamara jo Indian market hai, wo apne all-time high se 20% se zyada correct kar chuka hai, then we call it a bear market. Uske beech mein jo market trade karta hai, yani ऑल टाइम हाई मार्केट के लेवल से लेके 20% जोन के अंदर मार्केट जब ट्रेड करता है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल अ स्टेबल स्टैंडर्ड मार्केट। बट हमें कैप्चर करना होता है या तो बुल मार्केट या तो बेयर मार्केट, और उसके बेसिस से हम ट्रेड लेना चाहते हैं ताकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट्स मिले। बीच वाले पीरियड में या बेयर मार्केट के पीरियड्स में जो टेक्निक्स आपको यूज़ करना चाहिए टू पिक स्टॉक्स, आज मैं आपको सिखाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हो तो एक बुल मार्केट में आप किस टाइप के शेयर्स खरीदने पसंद करोगे और बेयर मार्केट में किस टाइप के शेयर खरीदने पसंद करोगे। बहुत ही सिंपल है, लेट मी जस्ट शो यू इन जस्ट अ सेकंड, कि ये देखा गया है जनरली कि अगर आप बुल मार्केट में कोई इन्वेस्टर को आस्क करोगे शेयर खरीदने, तो वो जनरली ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज प्रेफर करते हैं एंड दे आर विलिंग टू रिस्क बाय गोइंग इन स्मॉल और मिड कैप कंपनीज, करेक्ट। आप भी रिटेल इन्वेस्टर होके अगर बुल मार्केट में मूवमेंट्स देखोगे, आपको हायर रिटर्न चाहिए और आप इन टाइप के कंपनीज में इन्वेस्ट करने प्रेफर करोगे। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द बेयर मार्केट, बेयर मार्केट में हम ये देखते हैं कि जो इन्वेस्टर्स है वो सेफ हो जाते हैं, तो उन्हें सेफ कंपनीज चाहिए होते हैं, डिविडेंड पेइंग कंपनीज चाहिए होते हैं, या लार्ज और मिड कैप कंपनीज तक वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि जो शेयर है वो गिरते ही जाएगा, लाइक इफ़ द मार्केट इज़ इन अ डाउन ट्रेंड और वो गिरते ही जाएगा, देन इट्स बेस्ट टू हैव अ कंपनी विच इज़ सेफ। तो अगर कंपनी सेफ नहीं है, देर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि खराब सिचुएशन में कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाए, तो इसलिए हमेशा इन्वेस्टर्स वुड प्रेफर फॉर गोइंग टू अ सेफ कंपनी फॉर इन्वेस्टमेंट इन अ डाउन ट्रेंड मार्केट और व्हेन द मार्केट्स आर फॉलिंग। अच्छा, तो अब आप मुझे ये बताइए कि बुल मार्केट में किस टाइप के सेक्टर्स या स्टॉक्स रैली करते हैं और बेयर मार्केट में किस टाइप के स्टॉक्स या सेक्टर्स रैली करते हैं। तो इसका भी आंसर बहुत सिंपल है, बुल मार्केट में जनरली ऑल सेक्टर्स रैली, यानी कभी ना कभी आप देखोगे कि कोई ना कोई सेक्टर्स हमेशा रैली कर रहा है एंड मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स 90% ऑफ द सेक्टर्स रैली इन अ बुल मार्केट। और बेयर मार्केट में ओनली द सेफ कंपनीज और स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स रैली। आप नोटिस करोगे ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जो बहुत जन देखते नहीं हैं। वो सोचते हैं कि ऑटोमोटिव सेक्टर हम बेयर मार्केट में खरीद लेते हैं क्योंकि बुल मार्केट तो बहुत जल्दी आने वाला है, मार्केट विल रिकवर वेरी सून और ऑटो सेक्टर्स के स्टॉक बहुत तेज़ी से भाग जाएंगे। ऐसा नहीं होता। अगर ऑटो सेक्टर इज़ बीइंग पनिश्ड राइट नाउ क्योंकि मार्केट इज़ एक्सपेक्टिंग कि ये जो पीरियड है ऑफ मार्केट फॉल ये कंटिन्यू होने वाला है, देन ऑटो सेक्टर हो या कोई भी ऐसे सेक्टर्स हो जो लग्जरी के अंदर आते हैं, वो रैली नहीं करने वाले अनटिल दिस पीरियड इज़ ओवर। बट बुल मार्केट में चाहे कोई भी सेक्टर आप ले लो, एवरीथिंग इज़ ग्रोइंग एंड कोई भी सेक्टर आप जिसमें इन्वेस्ट करोगे, मोस्ट ऑफ द कंपनीज इन दैट सेक्टर्स विल कीप ऑन गोइंग अप। तो ये जो डिफरेंस है ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप सही तरीके से चूज कर सको कौन से सेक्टर्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए फॉर अ बुल मार्केट एंड फॉर अ बेयर मार्केट। तो चलिए अब हम कुछ देर के लिए बुल मार्केट को भूल जाते हैं और सिर्फ बेयर मार्केट में फोकस करते हैं। हम इसलिए बेयर मार्केट में फोकस कर रहे हैं क्योंकि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। जब भी आप वीडियो देखो आज, एक साल बाद या पाँच साल बाद, मार्केट कभी ना कभी फिर से डाउन ट्रेंड में आने वाला है। अभी के मार्केट फॉल के रीजंस है इन्फ्लेशन एंड अ पॉसिबिलिटी ऑफ स्लो डाउन इन द कमिंग पीरियड्स, जो जनरली 1.5 ईयर्स के लिए एग्जिस्ट करता है। तो अगर ऐसा है, देन विच स्टॉक्स और सेक्टर्स शुड वी फोकस ऑन राइट नाउ
जो हमें एक अच्छा ग्रोथ दे सके इन द पीरियड व्हेन द मार्केट इज फॉलिंग। और इसे हम यूज़ करने वाले हैं यूजिंग द रिटेल इन्वेस्टर साइकोलॉजी, जो मैंने आपको अभी तक जितनी भी स्लाइड्स हैं वहाँ पर समझाया। तो ऑफ ऑल द सेक्टर्स इन इंडिया दैट वी नो ऑफ, आई विल शो यू द लिस्ट इन जस्ट अ सेकंड, बट ये जो कुछ सेक्टर्स है, दीज सेक्टर्स आर सेक्टर्स विच आर इन्फ्लेशन प्रूफ, स्लो डाउन प्रूफ। मार्केट गिरता है तब भी इन सेक्टर्स में आपको कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलता। वाई? बिकॉज दीज आर नेसेसरी सेक्टर्स। लग्जरी सेक्टर्स जैसे कि ऑटोमोटिव, फिर एसी, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, ये सेक्टर्स में आपको एक डाउनवर्ड्स प्राइस मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बट इन सेक्टर्स में 50-60% ऑफ द स्टॉक्स विल बी ऑन द अपर ट्रेंड। क्यों? क्योंकि इन कंपनीज का क्वार्टरली फिगर्स आर स्टिल डूइंग गुड। और जो अलग कंपनीज है जो अभी रिसेशन या एक बैड पीरियड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग। तो इस बेसिस से हम वीडियो को आगे ले आते हैं। तो एफएमसीजी सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर और जितने भी सेक्टर्स हैं यहाँ पे, अल्कोहल, फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर, पावर, कैपिटल गुड्स एंड केमिकल्स, ये सारे सेक्टर्स में आपको ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जो बेयर मार्केट, जब मार्केट गिर रहा है उस दौरान, या तो ये कंपनीज गिर रहे हैं थोड़ा करके और फिर स्टेबलाइज कर जा रहे हैं, या आपको ऐसे भी कंपनीज दिखेंगे जो कंसोलिडेट करके अपर ट्रेंड में जा रहे हैं। तो दीज आर द काइंड ऑफ कंपनीज इन दीज सेक्टर्स दैट वी वुड वॉन्ट टू गेट होल्ड ऑफ। इन कंपनीज में हम इन्वेस्ट करने के लिए कोशिश करेंगे इफ एवरीथिंग चेक्स आउट विद द चेकलिस्ट दैट वी हैव। तो चलिए अब हम हमारे चेकलिस्ट देख लेते हैं जो हम यूज करेंगे टू फिल्टर आउट स्टॉक्स फ्रॉम द सेक्टर्स दैट आई शोड यू इन द लास्ट क्लिप। बहुत सिंपल सा चेकलिस्ट है एंड वी हैव कवर्ड व्हाई वी हैव टेकन दिस चेकलिस्ट। बहुत सिंपल है, मार्केट कैपिटल शुड बी अबव 30,000 crores। अगर हम अबव 30,000 crores के शेयर्स देखें, दैट विल कंसिडर शेयर्स विच आर इन द मिड कैप एंड ऑल्सो इन द लार्ज कैप स्पेस। उसके बाद अगर हम क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ को ईयर ओवर ईयर पीरियड में 10% के ऊपर वाले शेयर्स को देखें जो 10% ग्रोथ दे रहे हैं ईयर ओवर ईयर क्वार्टरली पीरियड्स में, वो कंपनीज आर स्टेबल एंड सेफ राइट नाउ बिकॉज खराब टाइम पे भी उनके सेल्स अच्छे हो रहे हैं। सेम गोज फॉर द प्रॉफिट, वहाँ पे भी हमें 10% के ग्रोथ देखने चाहिए। एंड उसके बाद फोर्थ पॉइंट इज कंपनी शुड बी डिविडेंड पेइंग। अगर कंपनी कुछ भी डिविडेंड देता है, दैट गिव्स इन्वेस्टर्स मोर कॉन्फिडेंस इन द शेयर्स राइट नाउ, क्योंकि मार्केट गिर रहा है, अगर बाई चांस शेयर गिर भी जाए तो डिविडेंड तो आपको मिलना चाहिए। हैंस डिविडेंड शुड बी प्रेजेंट फॉर द कंपनी। एंड फाइनली मोमेंटम, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर एनी स्टॉक्स दैट यू फिल्टर, कि जब हम ये स्क्रीन को यूज़ करेंगे यू विल सी अ लिस्ट ऑफ 65 और 60 कंपनीज इन द लिस्ट। अब उन 65 कंपनीज में हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते ब्लाइंडली, और सिर्फ उन कंपनीज में हम इन्वेस्ट करेंगे, नंबर वन, जो हमारे चोजन सेक्टर्स हैं जैसे कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में दिखाया था, और कंपनीज मोमेंटम में होना चाहिए, उन कंपनीज में बाइंग मोमेंटम होना चाहिए, टेक्निकल इंडिकेटर्स शुड बी पॉजिटिव, तब जाके हम उन कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। और कभी भी आप इसे वेरीफाई करोगे गोइंग हिस्टोरिकली, जब कोविड के पैंडेमिक के टाइम पे शेयर मार्केट गिरा था, या उससे पहले 2014 में जब मार्केट गिरा था, ये सेम पैरामीटर्स आपको देखने मिलेंगे उस टाइम पे भी। जो कंपनीज इन चेकलिस्ट को फॉलो किए थे, मार्केट कैपिटल, क्वार्टरली स्टेटमेंट, क्वार्टरली प्रॉफिट, डिविडेंड एंड मोमेंटम, वो सारे कंपनीज जब मार्केट रैली करना शुरू किया या रैली नहीं भी किया, तब भी उन कंपनीज के प्राइस मोमेंटम आस्ते आस्ते ऊपर चले गए। और जब बुल रन शुरू हुआ तो इन कंपनीज के शेयर प्राइस सबसे ऊपर चले गए थे वेरी क्विकली। सो दीज आर द फैक्टर्स दैट वी विल कंसिडर फॉर चेकिंग विच कंपनीज वी शुड इन्वेस्ट इन। तो अब हम हमारे चेकलिस्ट को यूज़ करेंगे टू फिल्टर आउट स्टॉक्स और स्क्रीन स्टॉक्स जो हम यूज़ करेंगे फॉर इन्वेस्टमेंट। ये चेक करेंगे कि क्या उनमें वो खासियत है दैट दे मैच अप टू आवर चेकलिस्ट। और बहुत सिंपल तरीके से आप इसे कर सकते हो, स्क्रीनर डॉट इन वेबसाइट में जाना है, वहाँ पे लॉगिन करना है, करने के बाद स्क्रीन्स वाला जो टैब है यहाँ पे आपको आना है, आने के बाद क्रिएट अ न्यू स्क्रीन करना है और यहाँ पे क्वेरी शीट में एक फॉर्मूला एंटर करना है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसे कॉपी पेस्ट करके स्क्रीनर में यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन शुड बी अबव 30,000 crores। इसका ये कारण है कि 30,000 crores के ऊपर के हर एक कंपनी वुड बी इन द मिड कैप टू लार्ज कैप कैटेगरी। सेकेंड, कंपनीज सेल्स ग्रोथ शुड बी अबव 10%, कंपनीज ईयर ओवर ईयर प्रॉफिट ग्रोथ शुड ऑल्सो बी अबव 10%, एंड फाइनली कंपनीज डिविडेंड पे आउट शुड बी मोर देन 0.1।
तो ये पैरामीटर्स एंटर करने से हमें कंपनीज की सेफ्टी, स्टेबल और डिविडेंड पेइंग पैरामीटर्स एक साथ हम यहाँ पे फिल्टर आउट कर सकते हैं इन स्क्रीनर। तो जैसे ही हम रन द क्वेरी यहाँ पे एंटर करेंगे, हमारे पास 51 ऐसे कंपनीज आ जाएंगे जो आप यहाँ पे देख सकते हो, विच हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल इन द रीसेंट क्वार्टरली फिगर्स एंड क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो अब हम इन्हें एनालाइज करेंगे यूजिंग द पैरामीटर ऑफ द सेक्टर्स। तो सेक्टर्स जैसे कि मैंने मेंशन किया था आपको, हमें देखना है कि यहाँ पे जो 51 स्टॉक्स है वो इन सेक्टर्स से बिलोंग करते हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे कंपनीज आपको दिखेंगे जिनके क्वार्टरली रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे हैं, डिविडेंड भी पे आउट करते हैं, सब कुछ अच्छा है, बट कंपनीज मोमेंटम खराब है, डाउन ट्रेंड में है। और जो भी कंपनीज इन सेक्टर्स के अंदर आते हैं, FMCG, एग्रीकल्चर, अल्कोहल, फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर, पावर, कैपिटल गुड्स, जो भी इन कंपनीज के सेक्टर में आते हैं, हर एक कंपनी का शेयर प्राइस इज ईदर नॉट फॉलिंग टू मच और टेकिंग अ होल्ड, और कुछ कंपनीज में तो आपको अप ट्रेंड भी दिख रहा होगा। तो चलिए क्वेरी रिजल्ट से हम उन शेयर्स को देख लेते हैं जो हमारे ये लिस्ट ऑफ सेक्टर्स को मैच करते हैं। तो पेज इंडस्ट्रीज डजंट मैच आवर सेक्टर ऑफ ऑल दीज कंपनीज, कोल इंडिया डजंट मैच आवर सेक्टर्स, कोल इंडिया इज समवॉट ऑफ अ पावर सेक्टर ऑल्सो बट इट इज़ एन एनर्जी सेक्टर, हम इसे यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। टाटा एलेक्सी इज एन IT सेक्टर, नॉट टू बी कंसिडर। माइंडट्री ऑल्सो एन IT सेक्टर। चलिए आपको दिखाते हैं कि माइंडट्री का परफॉर्मेंस कैसा है, तब कि आपको पता चले। कंपनीज क्वार्टरली फिगर्स आर ऑटोमेटिकली नाइस, वी कैन सी, बट कंपनीज का जो शेयर प्राइस है वो देखिए डाउन ट्रेंड में है। यू विल सी दैट द कंपनी शेयर प्राइस इज इन अ डाउन ट्रेंड राइट नाउ, जबकि कंपनी के क्वार्टरली फिगर्स आर ऑल्सो नाइस, कंपनी के सेल्स आर ऑल्सो नाइस। यहाँ पे आप देख सकते हो माइंडट्री क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रू 49% एंड क्वार्टरली सेल्स ग्रू 37%, फिर भी कंपनी का शेयर प्राइस डाउन ट्रेंड में है। उसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी ओनली चूज कंपनीज जो हमारे सेक्टर के अंदर आते हैं। अबॉट इंडिया, येस इट इज़ अ फार्मास्यूटिकल कंपनी। चलिए इस कंपनी का हम शेयर प्राइस देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। सो अबॉट इंडिया हाईएस्ट गए थे इन अक्टूबर 2021, उसके बाद जब मार्केट यहाँ पे 30 दिसंबर को एक पीक बनाया था, फिर उसके बाद ये और गिर गया। राइट नाउ जब मार्केट गिर रहा है, मार्केट वी ऑल नो इज़ फॉलिंग एट द प्रेजेंट टाइम, पर इस पीरियड में द कंपनी शेयर प्राइस इज इन फॉलिंग टू मच। ये सिर्फ 18,000 से गिर के 17,000 तक आया था, अभी ये फिर से रिकवर कर गया है। सो दिस इज़ वन कंटेंडर दैट वी कैन कंसिडर बिकॉज इट इज़ इन द फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर, करेक्ट। तो इस स्टॉक को हम एनालाइज करेंगे फर्दर। नाउ लेट्स लुक एट मोर स्टॉक्स। इन्फोसिस IT सेक्टर, नॉट टू बी कंसिडर। हिंदुस्तान सिंह, नॉट टू बी कंसिडर। दिवीज लैब इज अगेन IT फार्मास्यूटिकल सेक्टर, बट वी कैन कंसिडर इट ऑल्सो। ITC को देखते हैं। ITC राइट नाउ देखिए कंपनी का शेयर प्राइस, मार्केट गिर रहा है बट इट इज़ गोइंग अप एंड अबव एवरी टाइम। वाई? बिकॉज ये FMCG कैटेगरी में आता है, अल्कोहल कैटेगरी में आता है, दो सेक्टर्स ऑटोमेटिकली कवर कर देते हैं, एंड वी ऑल नो ITC पेज गुड डिविडेंड। तो जब मार्केट गिरता है तब इन टाइप के शेयर्स हमेशा रैली करते हैं, एंड दिस इज अ प्रूफ दैट वी कैन सी ओवर हियर। चलिए आपको और एग्जांपल्स दिखाते हैं। लेट्स लुक एट कंपनीज लाइक वरुण बेवरेजेस। अगेन दिस इज अ बेवरेज लिमिटेड कंपनी, फॉल्स इन FMCG कैटेगरी। इस कंपनी का प्राइस देखते हैं तो वरुण बेवरेजेस देखिए आप अप ट्रेंड में है। कंपनी पेज गुड डिविडेंड, कंपनी हैज स्ट्रॉन्ग बुक्स, कंपनी के फिगर्स भी, क्वार्टरली फिगर्स भी स्ट्रॉन्ग आए हैं, एंड दैट इज़ वाई द कंपनी इज गोइंग अप एंड अबव एवरी पीरियड। तो ऐसे कंपनीज को आपको चूज करना है जिनमें क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, कंपनी का मोमेंटम भी स्ट्रॉन्ग है, एंड कंपनी इज गोइंग अप इन अ पीरियड व्हेन द स्टॉक मार्केट इज बीइंग पनिश्ड राइट नाउ। तो ऐसे कंपनीज में क्या होंगे, व्हेन एवर द मार्केट रिकवर्स, यानी एक छोटा सा करेक्शन करता है ऊपर की तरफ क्योंकि मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड, तब इन कंपनीज का ब्रेकआउट होता है एंड दे क्विकली गो अप। और जब मार्केट रैली एक्चुअली शुरू हो जाता है, बुल मार्केट एंटर करता है, तब ये कंपनीज और तेज़ी से ऊपर जाता है। तो ऐसे करके हम सारे कंपनीज को यहाँ पे देख सकते हैं। दी वी हैव यूनाइटेड ब्रेवरीज, यानी अल्कोहल बिजनेस। ये कंपनी का शेयर प्राइस देखिए, ये मार्च के पीरियड में एक लो लगाया था एंड अभी फिर रिकवर कर गया है। दिस कंपनी शेयर प्राइस ओनली फेल फ्रॉम 1658 टू 1300। सो सिर्फ 300 पॉइंट का कंपनी का शेयर प्राइस गिरा, एंड राइट नाउ कंपनी एज एट दिस लेवल। दिस फॉल्स इन द अल्कोहल स्पेस। तो ये कंपनी को भी हम कंसिडर कर सकते हैं इन आर चेकलिस्ट। हम इसके बाद और एनालिसिस करेंगे, बट आई होप यू गेट द आइडिया। कंपनीज जिसमें हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, इवन दो कंपनी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, जैसे कि
L&T इन्फोटेक। कंपनी का शेयर प्राइस जनवरी में जब से मार्केट गिरना शुरू हुआ 7,500 पे था, अभी कंपनी का शेयर प्राइस 3,800 पे है। सो यू कैन इमेजिन दी फॉल दी कंपनी हैज़ हैड इन द लास्ट कपल ऑफ पीरियड्स। 35% के ऊपर कंपनी का शेयर प्राइस हैज़ करेक्टेड, वेयर एज जो बाकी कंपनीज मैंने आपको दिखाया वहाँ पे इतना ज़्यादा करेक्शन नहीं हुआ। वाई? बिकॉज दे बिलोंग टू दिस कैटेगरी ऑफ स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स। अगर कंपनी के सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, यानी दीज सेक्टर्स आर इन्फ्लेशन प्रूफ और रिसेशन प्रूफ, तब उन कंपनीज में आपको ग्रोथ दिखेगा। इफ़ द कंपनीज क्वार्टरली फिगर्स आर डूइंग वेल एंड कंपनी इज पेइंग आउट डिविडेंड, प्लस इफ़ द मोमेंटम ऑफ द कंपनी इज इन दैट करेक्ट डायरेक्शन, तो ऐसे करके हम कंपनीज को चूज करेंगे और उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब इन कंपनीज को हम फर्दर एनालिसिस करते हैं। हम इसे इन क्वेरी शीट से भी एनालाइज कर सकते हैं, इंडिविजुअली भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने फर्स्ट कंपनी को चूज़ किया था एबॉट इंडिया, तो एबॉट इंडिया खोल के हम यहाँ पे देख लेंगे कि कंपनी का ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा है। सबसे पहले हमें मोमेंटम देखना है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट गिर रहा है बट स्टॉक नहीं गिर रहा है, विच इज़ अ ग्रेट चेकलिस्ट, स्पीक्स अबाउट द मोमेंटम। बट मोमेंटम स्टार्ट होगा अगर ये जोन्स को ब्रेकआउट दिया तो। उसके बाद कंपनी के क्वार्टरली फिगर्स और कंपनी के डिविडेंड कैसा है वो भी हम यहाँ पे मैनुअली चेक कर सकते हैं, और हम हमारे खुद के प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ दी ऑल इन वन एक्सेल शीट। यहाँ पे आपको सिर्फ कंपनी का सिंबल एंटर करना है, तो अबाउट इंडिया का सिंबल वी एंटर हियर, ABBOT इंडिया, और करने के बाद हमें कंपनी के सारे फाइनेंशियल डिटेल्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कंपनी के बैलेंस शीट के स्कोर्स कैसे हैं। बैलेंस शीट इज़ एक्सेलेंट, लो डेट कंपनी, एक्सेलेंट डेट टू रिजर्व्स रेशियो 4 stars, तो ये बहुत पॉजिटिव है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज़ एक्सेलेंट 5 stars, रेशियो स्टेटमेंट इज़ एक्सेलेंट, डिविडेंस कम है कंपनी का बिकॉज इट शोज बैड डिविडेंस, बट फिर भी 5 star है रेशियो स्टेटमेंट में। क्वार्टरली स्टेटमेंट में पुअर प्रॉफिट दिखा रहा है, बट वी चेक्ड क्योंकि क्वार्टर ओवर क्वार्टर पीरियड में प्रॉफिट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसके कंपनी अभी तक ब्रेकआउट नहीं दिया है, बट ईयर ओवर ईयर प्रॉफिट स्टेटमेंट कंपनी का बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब कंपनी के स्टेबल फैक्टर्स और स्टेबल रेटिंग्स भी हमें यहाँ मिल जाते हैं, सेफ्टी पैरामीटर्स, एल्पिन स्कोर, पेट्रोस्की स्कोर, सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। कंपनी के टारगेट प्राइस भी हमें यहाँ मिल जाता है, हम यहाँ से जो मेजर टारगेट प्राइसेस है कंपनी का उसे यहाँ पे एनेबल कर देंगे, जो पॉसिबल लगता है हमें कंपनी का शेयर प्राइस अचीव कर सकता है, करने के बाद हमें वो भी यहाँ मिल जाएगा। सो अ टारगेट प्राइस ऑफ 19,677 इज़ पॉसिबल फ्रॉम अबाउट इंडिया, करेक्ट। कंपनी के जो टेक्निकल फैक्टर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक आई सेड मोमेंटम शुड बी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे अ फ्यू ऑफ द इंडिकेटर्स आर इन बाय, लाइक मैकडी, स्टोकास्टिक्स, RSI। प्राइस एक्शन शॉर्ट टर्म पीरियड में नेगेटिव है एंड मिड टर्म पीरियड में इट इज़ पॉजिटिव, तो ये एक मिक्स सिग्नल हमें दे रहा है, उसके वी कैन नॉट जंप इन टू द शेयर जस्ट येट, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। इन्वेस्टेबल स्कोर भी स्ट्रॉन्ग है कंपनी के। अगर हम प्रोमोटर होल्डिंग्स देखें या शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि DII हैव इंक्रीज द स्टेक फ्रॉम 6.76% लास्ट क्वार्टर December 2022 टू March 2022 इट वॉज इंक्रीज टू 7.52%। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हमें देखने को मिला इन टर्म्स ऑफ DII। तो ऐसे करके हम कंपनी को और एनालाइज कर सकते हैं और टेक्निकल फैक्टर्स भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और ऐसे करके हम कह सकते हैं कि अबाउट इंडिया इज़ अ ग्रेट कंपनी फॉर आर चेकलिस्ट। हम इसमें इन्वेस्ट तब करेंगे जब ये एक ब्रेकआउट दे इन द टेक्निकल फैक्टर्स विच विल कन्फर्म द मोमेंटम ऑफ द कंपनी। ऐसे करके और कंपनीज देख लेते हैं, वी कैन लुक एट कंपनीज लाइक वरुण बेवरेजेस, ये भी हमारा शॉर्टलिस्ट में था। सो द NSE सिंबल ऑफ वरुण बेवरेजेस इज VBL, तो हम यहाँ पे VBL एंटर करेंगे, VBL, और हम यहाँ पे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट प्रेफर करेंगे इनिशियली। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का बैलेंस शीट इज नॉट स्ट्रॉन्ग, हाई डेट कंपनी है, बट कंपनीज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज एक्सीलेंट, रेशियो स्टेटमेंट इज एक्सीलेंट, एक्सीलेंट डिविडेंस कंपनी इज पेइंग आउट राइट नाउ, क्वार्टरली स्टेटमेंट इज ऑल्सो एक्सीलेंट, कंपनी सेफ्टी पैरामीटर्स आर ऑल एक्सीलेंट, ऑल द वैल्यूएशन पैरामीटर्स आर अंडर वैल्यूड, कंपनी का जो टारगेट प्राइस निकल के आता है यूजिंग ऑल द मॉडल्स इज कमिंग टू 1156, कंपनी राइट नाउ इज ट्रेडिंग एट 1068। तो कंपनी का मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, 10% के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट जंप आपको इजीली देखने को मिल जाएगा कंपनी में, बट कंपनी अगर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम करते जाए तो ये इसको भी पार कर जाएगा। द नेक्स्ट टारगेट फॉर द कंपनी वुड बी अराउंड द 1565 levels,
क्योंकि ये प्राइस टू सेल्स मॉडल के हिसाब से अचीवेबल होता है. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट मॉडल. नेट प्रॉफिट मॉडल भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इन दोनों को एवरेज करके भी आप कह सकते हो कि 1200 का टारगेट इज ईजिली अचीवेबल बाय द कंपनी VBL. और एक कंपनी आपको क्विकली दिखा देते हैं यहाँ पे फ्रॉम आर चेकलिस्ट. कंपनी इज लाइक ITC देख लेते हैं. ITC इज अगेन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनीज. वी नो इट इज नियर इट्स ऑल टाइम हाई लेवल्स. ब्रोक इज ऑल टाइम हाई लेवल्स एज इट इज. तो यहाँ पे बैलेंस शीट इज अगेन एक्सीलेंट. डेट टू रिजर्व रेशियो लो. डेट 3 stars out of 5. प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज एक्सीलेंट. रेशियो स्टेटमेंट इज एक्सीलेंट. यहाँ पे रेटिंग्स सब मिल जाते हैं हमें. टारगेट प्राइस फॉर द कंपनी कम्स टू 287.8. कंपनी का बेस्ट टारगेट प्राइस आई वुड से इज 289 and 316. ये दो मॉडल्स जो है प्राइस टू सेल्स मॉडल एंड नेट प्रॉफिट मॉडल्स आर द बेस्ट वैल्यूएशन मॉडल्स दैट यू कैन यूज. बाकी जो मॉडल्स है दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. टेक्निकल टारगेट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे आपको सब मिल जाते हैं. यहाँ पे इंडिकेटर्स बता रहे हैं शॉर्ट टर्म पीरियड इज नेगेटिव राइट नाउ बट लॉन्ग टर्म पीरियड इज डेफिनेटली पॉजिटिव. यहाँ पे सारे इंडिकेटर्स आर ऑलमोस्ट इन बाय. तो इस कंपनी को हम इन्वेस्ट कर सकते हैं. यहाँ पे आप टेक्निकल चार्ट्स देखो तो भी आपको दिख जाएंगे. इन्वेस्टेबल स्कोर भी मिल जाएगा. प्रोमोटर होल्डिंग्स भी हम देख सकते हैं यहाँ पे. FIIs, DIIs के स्टेक्स कैसे चेंज हो रहे हैं. सो दीज आर बिग फैक्टर्स. FIIs आर बाइंग इनटू द कंपनी राइट नाउ 9.99% से 11.99%, यानी ऑलमोस्ट 2% का एडिशन हुआ है यहाँ पे FIIs के स्टेक में. DIIs हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय 1%. पब्लिक होल्डिंग हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय 1%. अगर पब्लिक होल्डिंग कम हो जाए कंपनी में दैट वुड एंश्योर अ बेटर रीज़न फॉर द मार्केट, क्योंकि तब वॉलेटिलिटी कंपनी में कम हो जाता है. तो ऐसे करके आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो यूजिंग दिस मॉडल. और इंडिविजुअली आप स्टॉक्स को यहाँ से एनालाइज कर सकते हो. तो अभी तक मैंने आपको इस वीडियो में जो भी सिखाया है उसे फॉलो कीजिए, उसे प्रैक्टिस कीजिए. अगर आपको डाउट है कि ये मेथड काम करता है या नहीं तो आप हिस्टोरिकली चेक कीजिए. जब 2014 में मार्केट क्रैश किया था या 2008 में मार्केट क्रैश किया था या हाल ही में जब कोविड पैंडेमिक के टाइम में मार्केट क्रैश किया था तो कैसे स्टॉक्स रिकवर किए और कौन से स्टॉक्स जो जिस सेक्टर से बिलोंग करते थे वो कैसे रिकवर किए. तो ये जो लिस्ट है ऑफ 51 स्टॉक्स इसे आप एनालाइज कीजिए और देखिए कि कौन से कंपनीज हमारे वो जो चेकलिस्ट है उसे मैच करते हैं और सेक्टर से बिलोंग करते हैं. और ये जो प्रोसेस है ये आपको हर क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद करना चाहिए, क्योंकि इस क्वार्टरली रिजल्ट्स के हिसाब से हमें ये लिस्ट मिल रहा है. नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स जब आएंगे तब हमें डिफरेंट लिस्ट मिलने वाले हैं और वहाँ पे भी ऐसे बहुत सारे शेयर्स होंगे जो बहुत तेज़ी से रैली कर जाए. तो इस टाइप के फैक्टर्स को यूज़ कीजिए. मैनुअली फंडामेंटल एनालिसिस को यूज़ कीजिए. मोमेंटम को देखिए टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस से या हमारे ऑल इन वन जो प्लेटफॉर्म है उसे भी आप यूज़ करके सारे चीज़ को एक साथ देख सकते हो. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है डोंट फर्गेट टू हिट दी लाइक बटन एंड हिट दी सब्सक्राइब बटन. हम आगे और ऐसे वीडियोज़ लाने वाले हैं आपके लिए जहाँ पे आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना सीखो इन अ डिफरेंट वे, इन अ मोर प्रैक्टिकल एंड एफिशिएंट वे. चलिए टिल देन, mind your investment.